समुद्री शंख आप काम करते रहो, बनाते रहो तो आप भी दिखोगे ना। मूर्ति बन के बनाया थोड़ी है, आप लोगों की सोई बनाने हैं। दिवेश गाड़ी में लाइट रखी, लेके जा। ये सब जो कला है ना, जो असली मेहनत वाला, एकर से भी आती दौड़ दौड़ के आते हैं। काम कर रहे बना देते हैं क्लियर शॉर्ट को। मक्के के दाने से इनका गहना बनाया गया है और आप देख रहे हैं यहाँ पे सुपारी और जनेऊ से बनाया गया है ये मूर्ति और ये माचिस से बना हुआ शानदार शानदार मूर्ति ना वीडियो में देखनी है। इसको प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये मूर्ति आप जो देख रहे हैं हर्रा बहरा से निर्मित है। इसमें बहुत सारे चीज उपयोग किया गया है जो वनोपज से उत्पत्ति हुआ है। तीन बीजों से बनाया गया है। ये सामने दिख रहा है आपको कान में लगा हुआ है वो कमल फूल का बीज है और गट्टा। हाँ, कमल गट्टा कहते हैं उसको। और हाथ के आशीर्वाद हाथ में उसका चार चिरौंजी का बीज लगा हुआ है और आप देखेंगे यहाँ पर इमली का बीज लगा हुआ है और हाथों में उसके लड्डू मऊहा फूल से बना हुआ है और उसका धोती बनाया गया है तेंदू पत्ता से। और कौन कौन सा ये है पास्ता से बना हुआ है। इसमें चार पांच प्रकार की मूर्तियाँ पास्ता से इसको तैयार किया गया है। इसका इसके बारे में हमको तो मालूम नहीं है, पास्ता बोला जाता है। और एक मूर्ति ये है बना हुआ है जो शंख और समुद्री शंख और सीप से बनाया गया है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर
अनेक प्रकार के शंख और सीप से बना हुआ है। इसका लड्डू भी उसी से बनाया गया है, उसका चूहा भी उसी समुद्री सीप से छोटा छोटा जो भी बचा था उसमें से तैयार किया गया है। इस मूर्ति का खास बात यह है कि इसका हर शरीर अलग अलग अंगों में बना हुआ है। जैसे ये इसको अलग से रखा गया है, बाद में इसको फिट किया जाएगा इसको बाहर निकालने के बाद। इसका चक्र भी अलग से बना हुआ है। जो भी देख रहे हैं आप सब अलग अलग चीजों से बना हुआ है। लड्डू जो बना है उसी से बना हुआ है। आप ये देख रहे हैं लड्डू को।